लोगों का था। आई होप दिस विल बी अ फ्रूटफुल सेशन। डेवलपमेंट खाली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये आपकी पर्सनल और ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात है। कौम में हमेशा अपने अमलों से जाने जाते हैं। फ़रायद हमारे कहाँ से निकलते हैं या हम कहाँ से समझते हैं? एक तो हमारा दीनी फरीदा है जो बैसी ने मुस्लिम हाफ साहब ने जो आए थे आपके सामने पढ़ी, मैंने थोड़ा सा उसको तवज्जो दिलाने की कोशिश की। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हमारा एक सिस्टम है, फेडरेशन का सिस्टम है, वो आप सारे इसको जानते हैं। आपने दूसरी तीसरी क्लास से लेके इसको पढ़ा होगा कि हम अगर हकूक़ व फ़राइज़ की बात करते हैं तो शायद हमें अपने हकूक़ कहीं नज़र नहीं आए इस 37 साल में, मुझे तो कम अज़ कम नजर नहीं आया। चाहे वो प्रमोशन थी, चाहे वो कुछ और था, पोस्टिंग ट्रांसफर्स थे, उन सब में हमारे हकूक को रगड़ा गया। तो फ्राइज उसके बाद में आते हैं। मेरे पास एक दरख्वास्त आई और काफी सीएसओ ने कहा कि जितने भी सैनिटरी वर्कर्स के आगे बल्दिया है या लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके आगे मजहब का कॉलम वो लिख रहे हैं कि वो ईसाई या अकलीती मजहबों से उनका तल्लुक, विच वॉज वेरी डिमिनिंग। वो फिर हमने उस कॉन्फ्रेंस लेके मैंने इशू डायरेक्शन टू पंजाब गवर्नमेंट की इसको ख़त्म करें, वो इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उन्होंने सर्वे सूल्स तमाम अदारों से कमेंट कर दिए हैं ऐसे निर्णय के पास इख्तियार हैं जिसमें आइंदा किसी भी इश्तहार में मजहब का कॉलम नहीं होगा। किसी की तस्दीक करना, मजहब इसको डिमीन करना, ये हमारे मजहब में नहीं है, हमारे आइन में नहीं है। ज़ाती तौर पर जो मेरा तजर्बा है वो जब हम बाहर फील्ड में जाते हैं तो मिनॉरिटीज़ डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। दूसरे ममालिक में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर मुस्लिम्स हैं तो पूरे हकूक जो है ना वो कहीं पे भी हमें मुकम्मल तौर पर पूरे से नज़र नहीं आते। लेकिन जस्तजू जो है ना वो जारी रखना एक अच्छा अमल है। पाकिस्तान में भी जो प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, इवन के अपने जो हमारे लोग हैं उनसे भी ज़्यादा बढ़कर जो है ना वो आपके साथ जो है वो तआवुन करते हैं। तो बुरे अनासर भी हर जगह पाए जाते हैं, तो बेहतरी यही है कि उनको भी जो है ना वो हम पॉजिटिविटी की तरफ ले कर आए। सिर्फ ये समझ लें कि ये सामने जो खड़ा हुआ है ये मेरा भाई होता, मेरा बाप होता, मेरा बेटा होता, फिर मैं क्या। लेकिन 3.5 years, 100 years back जो था वो ज़ाहिर था, who introduced that? Basically he was the pioneer of the human rights. ठीक है ना, उसने बताया था कि natural rights में और fundamental में क्या फर्क है। हमारी 7 ह्यूमन राइट्स की बेसिक ट्रीटीज हैं जिसमें बच्चों के हकूक का मुआहदा CRC आपने कई नाम सुना होगा। फिर इस तरह औरतों के हकूक के रेफरेंस से एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको हम सीडा कहते हैं। फिर एक टॉर्चर के रेफरेंस से जो पुलिस से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, पाकिस्तान ने उसको भी रेटिफाई किया हुआ है। श्रीलंका का केस है, इसको आपने इंटरनेशनल लेवल पर देखा किस तरीके से हमें मसाइल का सामना हुआ। फिर कसूर के अंदर केस, साहिवाल के अंदर, इस तरह की चीजें, तो वो इन बॉडीज के अंदर वो डिटेल में डिस्कस होता है। माइनॉरिटीज की बात हो रही है कि ये माइनॉरिटीज ऐसा तबका है जो जिसको मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। माइनॉरिटी किसी मुल्क में, मुसलमान इंडिया में माइनॉरिटी है, वो मार्जिनलाइज्ड है। इसी तरह वेस्ट में चले जाए उनको इश्यूज हैं। तो जो कोई माइनॉरिटीज का कोई भी आता है, आप ज्यादातर वो ऐसे इनके वसाइल काम में है, सिफारिश नहीं है, तो आप उनको अगर अच्छी तरीके से मिलेंगे और उनका मसला हल करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बेहतर एक इमेज आता है आपका।